हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करने वाले रहेंगे एक सेकंड अप्रोच का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड भी कह सकता हूँ इफ यू वांट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड कैसे है उसको समझते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है, ये रही अपने पास स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अब ये जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं DSE से, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी को, और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी होती है हमारे पास, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं DSI से। सो हो गए हमारे पास एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। टोटल जो इनडिटरमिनेसी होती है उसको हम डिनोट कर सकते हैं DS से। सो यहाँ पर जो DS होता है, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो हम पिछले कॉन्सेप्ट्स या पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो बस बात खत्म, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना सीखना है, ये कैलकुलेट करना सीखना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टैटिक इनडिटरमिने, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का। तो नाम डाल रहा हूं मैं, हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। क्या बताया था कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किससे रिलेटेड होती है, ये रिलेटेड होती है एक्सटर्नल रिएक्शन से। बात खत्म। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किससे रिलेटेड होती है, ये रिलेटेड होती है आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन से। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं आपका एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इक्वल टू एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो आपका यदि मैं पूछूं 2D में क्या इक्वेशन बनेगा, सो एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस, 2D के अंदर हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। और यदि मैं बोलूं कि 3D में क्या बनेगा, सो 3D में बन जाएगा एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस, 3D में हमारे पास 6 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है। तो ये जो था, ये आपका इक्वेशन बन चुका है इन 2D और ये बन चुका है इक्वेशन इन 3D। तो ये हमने बता दिया है यहां पर हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। चलिए, ये छोटे छोटे से दो इक्वेशन आपको याद रखना है। यहां पर एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या है, इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो ये देखो, एक्सटर्नल रिएक्शन से रिलेटेड है, मैंने -3 -6 करके निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इनकी भी डेफिनेशन में पहले ही आप लोगों को लिखवा चुका हूं, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। सो स्टैटिक इंटरनल इनडिटरमिनेसी यदि निकालना है तो इसको हम किसे डिनोट करते हैं, DSI से। और ये किस पर डिपेंड करती है, मेंबर फोर्सेस पर, मतलब इंटरनल रिएक्शंस पर। तो इंटरनल रिएक्शंस पर निकल, एक मेंबर को कट करोगे तो कितने मिलेगी, तीन नंबर ऑफ मेंबर्स। एक मेंबर को कट करने पर हमें क्या मिलता है, एक मेंबर को कट करने पर हमें मिलता है आप लोगों का तीन फोर्सेस, तो 3m लिख दिया। हर एक जॉइंट पर तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन या तीन रिएक्शन, सो माइनस आप लिख सकते हैं 3j, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ नोन्स, यहां पे भी वही लगाना है, ठीक है। तो आपने यहां पर एक टर्म और डालना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3, क्यों,
क्योंकि ये माइनस ऑफ थ्री क्या है, यह आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यहां पर चूंकि आप नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल स्टेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप कंसिडर कर चुके हैं, तो वापस से यहां पर इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में नहीं कंसिडर करना है, इसलिए यहां पर 3j माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 3, क्योंकि हर एक जॉइंट पर मैं क्या ले रहा हूं, तीन तीन इक्वेशन ले रहा हूं इक्विलिब्रियम की, जिसमें से तीन मैं ऑलरेडी इधर कंसिडर कर चुका हूं एक्सटर्नल रिएक्शन में, इसलिए तीन मैंने माइनस कर दिया, तो यह बन जाएगा एक्सटर्न 2D के अंदर आपका इक्वेशन इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने का, एंड यह आपका DSI हर एक मेंबर को काटेंगे तो 6 फोर्सेस मिलेगा, 6m 3D के लिए लिख रहा हूं, हर एक जॉइंट पर 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और 6 हम ऑलरेडी इधर कंसीडर कर चुके हैं, सो माइनस ऑफ 6 यहां पर आपको मिल जाएगा 3D के अंदर आपका इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो आप लोग एक चीज पाएंगे यहां पर कि यदि आप एक्सटर्नल और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को जोड़ें तो आपको टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का ही फॉर्मूला मिलेगा, तो फिर ये शॉर्टकट कहां हुआ सर, मैं क्या बोल रहा हूं, आप जैसे मैं 2D की बात करता हूं, 2D के लिए, इन 2D जैसे हमें निकालना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यही होगा। हमने देखा DS एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस का 3 प्लस, इंटरनल का फॉर्मूला क्या है, इंटरनल का फॉर्मूला सर आपने लिखाया 3m माइनस 3j और ये माइनस अंदर जाके हो गया सपोज प्लस 3। अब इन तीनों को जोड़ा मतलब ये पूरा सम किया तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, हमें तो सेम फॉर्मूला मिल गया सर, 3m प्लस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस आपका क्या हो चुका है 3j हो चुका है। आप चाहे तो इसमें रिलीज्ड रिएक्शन वाली टर्म मैं ऐड कर सकता हूं, यहां पर रिलीज्ड रिएक्शन की टर्म ऐड कर देता हूं ताकि और अच्छा सा समझ में आ जाए, तो यहां पर मैंने रिलीज्ड रिएक्शन की भी टर्म, मैं चाहता तो अभी अलग से एस्टिमेट करने वाला था लेकिन मैं इसी में ही एस्टिमेट करके बता देता हूं, तो रिलीज्ड रिएक्शन की भी टर्म हम इसी में ही ऐड कर देते हैं, सो यहां पर यह हो जाएगा प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। तो इसी के अंदर जब आप लिखेंगे वो भी माइनस होके आए के बाहर आएगी, यहां पर 3m माइनस 3j प्लस 3 माइनस rr, तो यहां पर आपका क्या बचा, यहां पर आपका बचा 3j प्लस rr, तो ये देख सकते हैं आपका वापस सर ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो आप पहले बोलते थे, तो फिर ये शॉर्टकट मेथड क्यों हो गई, आपने तो नाम दिया सर कि यहां पर ये आप शॉर्टकट मेथड पढ़ाने वाले हैं, आपने तो घुमा फिरा के फॉर्मूले को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी का ये बता दिया और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी का ये बता दिया, दोनों को सेम करने पर तो मुझे सेम ही इक्वेशन मिल रहा है, तो फिर ये शॉर्टकट कहां हुआ सर, तो शॉर्टकट अब मैं बताता हूं आप लोगों को, ये इतनी बात समझ में आ गई मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, यहां पर मैंने फॉर्मूले को ब्रेक किया है दो पार्ट्स में, ठीक है, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी एंड इंटरनल इनडिटर्मिनेसी में, तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है इन 2D और ये आपका बता रहा है इन 3D के अंदर, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़ते हैं अपन नहीं तो, ठीक है, तो इक्वेशन तो वही बन गई 3m प्लस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस 3j प्लस RR, तो मैं यहां पर आप लोगों को अब शॉर्टकट बताता हूं, देखो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी को तो शॉर्टकट मैंने ये लिख दिया, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी निकालना एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप लोग क्या करिए यदि 2D फ्रेम नजर आ रहा है या 2D बीम नजर आ रही है तो आप लोग सबसे पहले वहां पर क्या कर सकते हैं, आप लोग सबसे पहले वहां पर क्या करिए एक्सटर्नल रिएक्शन निकाल दीजिए, उसमें से 3 माइनस कर दो यदि 2D है तो, उसमें से 6 माइनस कर दो या तो 3D है, तो हमारे पास एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी नजर आ गई, यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, उसके बाद इंटरनल इनडिटर्मिनेसी के मैंने फॉर्मूले लिखा है लेकिन इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकालने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले से नहीं निकालना इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, तो मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए, ट्रिक बता रहा हूं कि इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे निकाली जाती है, तो यहां पर देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट मेथड
फॉर इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में। सबसे पहले आप क्या देखेंगे यहां पर कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्लोज्ड लूप है, सपोज कुछ इस तरीके से एक फ्रेम है, ये रही आपकी एक फ्रेम, हम इधर लिखेंगे 2D में और इधर लिखेंगे हम 3D में। ठीक है, इधर का जो डिस्कशन चलेगा वो 2D में चलेगा, इधर का डिस्कशन आपका 3D में चलेगा। तो यहां पर भी मैंने एक 3D फ्रेम ले लिया, सपोज मान लो कि ये 3D फ्रेम है, मान लो कि ये 3D फ्रेम है, बनाया भले मैंने 2D के अंदर है लेकिन मुझे मान लेने दीजिए कि 3D फ्रेम है। ठीक है, मैं फिर ओवर आ रहा हूं कि मैंने भलाया 2D है, बनाया इसका डायग्राम 2D में लेकिन मुझे मान लेने दीजिए ये 3D फ्रेम है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहां पर ये मेंबर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। आपको यहां पर यदि इनडिटर्मिनेसी निकालना है वो भी इंटरनल, तो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आप निकालेंगे 2D के अंदर 3C माइनस RR से। सबसे पहले मैं बताता हूं RR क्या है। RR है आपका यहां पर रिलीज रिएक्शन, यदि रिलीज रिएक्शन है तो RR माइनस करना पड़ेगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी 6C माइनस RR, रिलीज रिएक्शन RR हो गया। अब बात आती है C क्या है, तो C है यहां पर नंबर ऑफ लूप्स, तो C का मैं मीनिंग लिखना चाहूंगा, सी है आपके नंबर ऑफ लूप्स, क्लोज्ड लूप्स आई शुड राइट, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स यहां पर भी मैं लिखना चाहूंगा, सी जो है वो है आपके नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स। अब यहां पर लूप्स क्या चीज है, तो ये रहे आपके लूप्स कि क्लोज, आपको ये क्लोज पोर्शन कितना नजर आ रहा है, एक नजर आया, तो यहां पर सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये है आपका लूप कि एक क्लोज्ड पोर्शन कितना नजर आ रहा है, एक क्लोज्ड फ्रेम कितनी नजर आ रही है। यदि मैं कहता कि यार मेरे पास फ्रेम कुछ इस तरीके से है, क्या यहां पर कुछ क्लोज नजर आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि क्लोज है ही नहीं, ये पूरा ओपन एरिया है ना, तो क्लोज नहीं है। तो यहां पर सी का वैल्यू कितना हो जाता, इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए सी का वैल्यू 0 हो जाता, तो यहां पर सी का वैल्यू 0 हो जाता। ठीक है, तो यहां पर सी का वैल्यू 0 हो जाता क्योंकि यहां पर कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है। यदि मैं कह दूं कि कुछ इस तरीके से है, तो हां यहां पर अब सी का वैल्यू कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। मैं कहूं कि और एक और इसके अंदर मैंने ऐसा लगा दिया, तो हां एक और मुझे क्लोज लूप देखने को मिल रहा है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ लूप हो गए, 2। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये है आपके पास सी का वैल्यू, नंबर ऑफ लूप्स का वैल्यू। तो आपको यहां पर सी डिटरमाइन करना होगा अपनी फ्रेम के अंदर कि सी क्या है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक बीम है, कुछ इस तरीके से अपने पास एक बीम है, बीम के अंदर कितने लूप नजर आ रहे हैं, 0। क्या कोई क्लोज लूप नजर आ रहा है क्या, कोई क्लोज पोर्शन है क्या, नहीं, तो सी का वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे कहा जाए इसके लिए निकाल के बताओ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कितनी है इस फ्रेम के लिए, तो मैंने सीधा सीधा सी का वैल्यू मान लिया कि यहां पर केवल एक ही लूप मुझे नजर आ रहा है, तो सी का वैल्यू 1। कोई रिलीज रिएक्शन नजर नहीं आ रही है, तो RR का वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पर इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू सी का वैल्यू 1 है, तो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी 3 आ गया। RR का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1, सो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी 3 आ गया। तो यहां से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो शॉर्टकट आपने सीखा है, आप लोगों ने एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी अलग से निकालना सीख लिया ये फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले का यूज विद इन 20 सेकंड आप कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हैं। तो टोटल 30 सेकंड्स लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मतलब आप लोग प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ये दो ट्रिक्स का यूज करते हुए कि आप लोग हार्डली
एक मिनट के अंदर, यदि आप बिगिनर्स है तो, और आप यदि एक्सपीरियंस्ड है तो 30 सेकंड्स के अंदर आप किसी भी टाइप के फ्रेम में अपना स्टैटिक इनडिटरमिनेसी बता सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के साथ में असाइनमेंट के क्वेश्चंस ले रखे थे। क्या क्वेश्चंस ले रखे थे? असाइनमेंट के क्वेश्चंस। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं वापस से सॉल्व करता हूं। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर सपोज वन की मैं बात करूं, है ना, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर वन की मैं बात कर रहा हूं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर वन किस तरीके से था? हालांकि ये मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं पिछले वीडियो में, मुझे याद है ना, हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी, लेकिन वो हमने किस बेसिस पे बात करी थी? वो हमने बात करी थी पिछले वाली मेथड पर, जहां पर टाइम लग रहा था, नंबर ऑफ अननोन्स निकालते थे, नंबर ऑफ नोन्स निकालते थे, फिर अननोन्स में से नोन माइनस करते थे। यहां पर हम ट्रिक्स के बेसिस पर देखते हैं। तो जैसे कि आपका ये फ्रेम पूरा इस तरीके से बन चुका है, 5 कॉलम्स थे इसमें। यहां पर हमारे पास क्या था? फिक्स्ड बीम, मतलब फिक्स सपोर्ट था। यहां पर रोलर सपोर्ट था, यहां पर आपका हिंज सपोर्ट था, यहां पर होराइजोंटल गाइडेड रोलर हुआ करता था, और यहां पर आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर हुआ करता था। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों का वहां पर था। तो अब हमें क्या करना है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। तो मैं कहता हूं दो पार्ट्स में निकाल दो भैया। एक तो आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है? एक्सटर्नल रिएक्शन -3। क्यों -3? क्योंकि 2D है। तो देख लो कितना आ रहा है रिएक्शन, यहां पे एक्सटर्नल आ रहा है 3, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 2। सबको जोड़ा 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10। तो टोटल हमारे पास यदि मैं से कहा जाए एक्सटर्नल रिएक्शन, तो एक्सटर्नल रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है 10, में से 3 गया बचा, एक्सटर्नल रिएक्शन का वैल्यू 7। ये आ चुका है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब निकालते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है? 3C-RR। सी क्या है? नंबर ऑफ लूप्स। कोई भी लूप बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, कोई भी क्लोज्ड फ्रेम नहीं है, सो इसका वैल्यू क्या हो चुका है? सी का 0, तो फर्स्ट टर्म 0। माइनस रिलीज्ड रिएक्शन कहीं पर नजर आ रही है क्या? नहीं, तो इसका वैल्यू भी 0, सो इंटरनल इनडिटरमिनेसी वैल्यू कितनी है? 0। तो हमारे पास टोटल इनडिटरमिनेसी यदि मुझसे पूछा जाए, सो टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है? एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी होती है प्लस इंटरनल इनडिटरमिनेसी होती है। तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की वैल्यू प्लस इंटरनल इनडिटरमिनेसी की वैल्यू 7 + 0 कितना आ गया? 7। तो आप लोग देखिए जरा पिछले वीडियो में, अपने नोट्स वापस से ओपन करिए और देखिए कि आपने पहले यही क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो कितना टाइम लगा था, और आंसर सेम आया था 7, और अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। आप चाहे तो एक और क्वेश्चन में करके देखता हूं, है ना। अब प्रैक्टिस इतनी हो जाना चाहिए कि ये सब भी लिखने की जरूरत ना पड़े। अभी मेरे को 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाया एक्सेप्ट, क्यों? क्योंकि मैंने ये सब बनाया है, ये लिखा है। अरे आप लोगों को हाथ में कैलकुलेटर रखने की प्रैक्टिस आ जाना चाहिए कि हाथ में कैलकुलेटर रखा, कैलकुलेट करा, 3 1 4 2 6 2 8 2 10 10 -3 7, इंटरनल दिख रहा है क्या? नहीं। रिलैक्सेशन दिख रहा है? नहीं। आंसर इज 7। विद इन 10 सेकंड आई हैव गिवन द आंसर। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि हमने बात करा था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका ऑफकोर्स असाइनमेंट का क्वेश्चन है। असाइनमेंट के क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? वहां पर एक 3D फ्रेम थी कुछ इस तरीके से। ये आपका 3D फ्रेम था, इस तरीके से, ठीक है। और हमें इसके अंदर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालना था। सिंपल, आप क्या करिए, सबसे पहले एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी निकालिए। एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी क्या होता है? एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस, यहाँ पर 3D है तो -6 करूंगा, सो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी जरा निकालें कि अपन रिएक्शंस कितनी आ रही है। सो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सो 6 और 3 9 और 2 11 11 -6, तो हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, जरा निकालते हैं अब हम यहाँ पर आपका
इंटरनल इनडिटरमिनेसी, क्या फॉर्मूला है? सिक्स सी माइनस आर आर, सी मतलब नंबर ऑफ लूप्स, आर आर मतलब रिएक्शंस। तो आपको कितने नंबर ऑफ लूप्स नजर आ रहे हैं? एक, कौन सा? ये रहा आपका लूप, क्लोज लूप। ये बीम लेवल पर, मतलब स्लैब क्या है इस रूम का? क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप दिख रहा है आपको, ये क्लोज लूप, बस क्लोज लूप है। या इस जगह पर फ्रेम क्लोज लूप में है क्या? नहीं। क्या ये वाली फ्रेम क्लोज लूप में है क्या? नहीं। क्या ये दो कॉलम्स के बीच की फ्रेम क्लोज लूप में है क्या? नहीं। क्या ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच में क्लोज लूप में है क्या? नहीं। सिर्फ ये जो टॉप आपका स्लैब है वो क्लोज लूप में है। तो नंबर ऑफ लूप कितना हो गया? एक। तो यहां पर स्टेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई? सिक्स इंटू वन, रिलीज रिएक्शन जीरो है। तो आपके पास यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? छह। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल को, तो आपके पास 6 और 5 11 आंसर आ चुका है। पिछले वाले वीडियो में मिला के देखो सेम वाले के लिए कितना टाइम लगा था और आंसर हमारा क्या सेम आ रहा था? हाँ, सेम आ रहा था 11। तो इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैं एक दो क्वेश्चन लेके आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप लोग फिर खुद ही प्रैक्टिस करेंगे और पता लगाएंगे किसमें कम टाइम लगता है, किसमें ज्यादा टाइम लगता है, कौन सी मेथड आप लोगों को अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 4, ठीक है, असाइनमेंट वाला है। हालांकि हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं ये वाला भी, फिर भी जस्ट शॉर्टकट मेथड के हिसाब से एक बार देखते हैं कैसे करना है। तो ये आपका था यहाँ पर कुछ इस तरीके से सपोर्ट, देन यहाँ पर था हमारे पास एक कॉलम, देन हमारे पास यहाँ पर था हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर कुछ इस तरीके से, देन अगेन कॉलम, देन ओवरहैंग। फिर उसके पास हमारे पास था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक्सेल फोर्स रिलीज करा था, कुछ इस तरीके से एक्सेल फोर्स हमने रिलीज कर दिया था, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट हुआ करता था और यहाँ पर हिंज था और यहाँ पर फिर से हमारे पास फिक्स सपोर्ट था, यही था हमारे पास। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना, जॉइंट्स निकालना, उन सब का काम ही नहीं पड़ेगा, कितना टाइम लगता था और गलतियां भी हो सकती थी, मुझसे खुद से गलती हुई थी, मुझे याद है एक पिछले वीडियो जब मैंने बनाया था नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर वो सब नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एक्सटर्नल रिएक्शन निकाल दो, ठीक है। चलिए, मैंने कहा एक्सटर्नल स्टेटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस 3। यहाँ पर कितनी रिएक्शन एक्सटर्नली आने वाली है? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। सो 3 और 2 5 और 3 8। सो एक्सटर्नल रिएक्शंस पता लग गई 8, 3 और 2 5 और 3 8 माइनस 3। सो एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई अपने पास 8 में से 3 गया 5। सो 5 आ चुकी है एक्सटर्नल रिएक्शंस। चलिए बात खत्म एक्सटर्नल रिएक्शन का, इंटरनल रिएक्शन निकाल, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी हमने निकाल दी है, इंटरनल स्टेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर्मूला क्या है? 3C माइनस रिलीज्ड रिएक्शन। सो इंटरनल स्टेटिक इंडिटरमिनेसी, सी नंबर ऑफ लूप्स कितने दिख रहे हैं? एक लूप नजर ये आया, दूसरा क्लोज्ड लूप नजर ये आया, यहाँ पर तो ये ओपन है, मतलब दो लूप नजर आ रहे हैं। सो सी का वैल्यू हो गया 2। सो 3 इंटू 2 माइनस रिलीज्ड रिएक्शन, रिलीज्ड रिएक्शन ये कितनी रिएक्शन रिलीज करता है? केवल एक, शेयर फोर्स। ये कितनी रिएक्शन रिलीज करता है? केवल एक, दैट इज शेयर फोर्स। यहाँ पर शेयर फोर्स रिएक्शन रिलीज होती है, यहाँ पर केवल रिलीज रिएक्शन एक्सेल फोर्स रिलीज होती है, यहाँ पर केवल बेंडिंग मोमेंट रिलीज होता है और यहाँ पर एक्सटर्नल रिएक्शन दो रिलीज, यहाँ पर इंटरनल रिएक्शन दो रिलीज होती है, एक इज एक्सेल फोर्स एंड सेकेंड इज योर बेंडिंग मोमेंट। सो 1 2 3 एंड प्लस 2 5, तो यहाँ पर हो गया 5। सो इंटरनल रिएक्शन आपकी आ गई 3 2 6 में से 5 के बचा 1, तो दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इक्वल टू एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटरमिनेसी 6 आ गई, और यही आपका क्या था? करेक्ट आंसर था। तो एरर होने के चांसेस कम से कम रहते हैं, आंसर इज 6 करेक्ट आ चुका है। विद इन 30 सेकंड आप लोग आंसर दे सकते हैं बड़ी से बड़ी फ्रेम का। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं जल्दी से आप लोगों के साथ में बनाने में इच्छा रखता हूं, और कौन सा रखें आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं यहां पर एक बार,
कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ये आपका यहां पर कुछ इस तरह से वाला क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। मैं रफली जरा जल्दी से सॉल्व कर देता हूं क्योंकि शॉर्टकट मेथड लगाना है ना, तो जल्दी जल्दी करना होगा आपको। फिर ये वाला इस तरीके से बना हुआ था फ्रेम आपका, और ये इस तरीके से कनेक्टेड थे। यहाँ पर फिक्स सपोर्ट था, यहाँ पर हिंज सपोर्ट था, और यहाँ पर आपका रोलर सपोर्ट था। एरर होने के चांसेस भी यहाँ पर कम से कम होते हैं अपने पास। अब देखिए यहाँ पर लूप, मैं यदि कहूँ कि हमें सबसे पहले एक्सटर्नल रिएक्शंस मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना चाहिए, सो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल रिएक्शन -3 2D फ्रेम है इसलिए, सो यहाँ पर क्या हो जाएगी RE एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 2 आता है, और यहाँ पर 1 आता है। सो 3, 2, 5 और 1 6 -3 एक्सटर्नल रिएक्शन आपके पास 6 आ गई थी, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नली 3 आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात कर लेता हूँ कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इंटरनली कितनी है, सो 3C माइनस रिलीज रिएक्शन। सो यहाँ पर देखते हैं सी क्या है, नंबर ऑफ लूप्स है। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर कनेक्ट कर देता तो फिर दो लूप बन जाते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन ये पूरा एक ही लूप है और ये भी पूरा क्या है एक ही लूप है, तो एक और एक दो लूप हो गए, 3 × 2 आंसर आ गया 6 है, क्योंकि रिलीज रिएक्शन तो क्या है हमारे पास 0। तो बस आपके पास इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू भी कितनी आ गई है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू आ चुकी है 6। बस बात खत्म, दोनों को जोड़ा, सो यहाँ पर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 3 + 6 = 9 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, यदि मैं यहां से यहां तक में भी ये सपोज एक मेंबर ऐड कर देता तो फिर यहां पर भी एक लूप बन जाता, यहां भी एक मेंबर ऐड कर देता तो ये भी एक लूप बन जाता। ठीक है, अभी फिलहाल में तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फ्रेम, किसी भी टाइप का बीम, इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हिसाब से आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे देता हूं, और ये क्वेश्चन है सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट का। ठीक है, मैं असाइनमेंट का एक क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ जो कि पहले हमने सॉल्व नहीं किया था, अभी सॉल्व किया है। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ का था, ये भी असाइनमेंट का था, ये भी हम पहले देख चुके हैं, फिर से एक बार सॉल्व कर रहे थे शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 7 यदि असाइनमेंट की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में, तो किस नज़र का है ये रहा, और फिर इस पर यहाँ पर एक रोलर लगा है ये रहा, इसको सॉल्व करना है हमें। सिंपल अप्रोच लगाओ ना भैया, सिंपल अप्रोच क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। क्या है एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, वो है आपका एक्सटर्नल रिएक्शन -3 2D फ्रेम है इसलिए -3 कर रहा हूँ। सो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल यहाँ पर ये कितनी आती है, 3 आता है, और रोलर पे कितना आता है 1, तो 3 और 1 = 4 टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी हो गई है 3 और 1 = 4 -3, तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी इसकी कितनी है 1 है। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकाले, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी होती है 3C माइनस रिलीज्ड रिएक्शन। क्या कोई लूप बनता नजर आ रहा है क्या, नहीं, क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो कभी भी बीम में क्लोज लूप नहीं बनता है, तो 3C की वैल्यू 0 ही रहती है हमेशा एक सिंगल बीम के लिए। और रिलीज्ड रिएक्शन कोई इंटरनल हिंज वगैरह लगा है, कोई रिएक्शन रिलीज करिए नहीं, तो यहाँ पर RR का वैल्यू भी 0, सो दोनों का वैल्यू 0 है, तो 0 - 0 आपके पास इंटरनल इनडिटर्मिनेसी भी 0 आ गई। तो यहाँ पर आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो चुकी है, 1 आ चुकी है, 1 + 0 = 1। बात समझ में आ रही है, मतलब ये 1 क्या है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है स्टैटिकली, और वो कौन सी होगी, वो ये वाला फोर्स हो सकता है, क्योंकि यदि मैं कहूं कि मेरे पास केवल एक कैंटिलीवर बीम दी जाए तो क्या मैं इसको एनालाइज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, यदि इस बीम की मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पूछूं कितनी है तो क्या बताओगे, इसकी होगी यहां पर एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी आ रही है 3, तो एक्सटर्नल रिएक्शन 3 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम 3, तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी आ गई 0, तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी है 0 और इंटरनल तो वैसे भी आपके आती है 0, सो यहाँ पर डीएस का वैल्यू है 0। सो यहाँ पर
आपका ये जो मेंबर है कैंटिलीवर बीम, ये है स्टेटिकली डिटर्मिनेट, इसलिए कैंटिलीवर बीम आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही इसको एनालाइज कर सकते थे, इसका शेयर फोर्स बना पाते थे आप लोग कैंटिलीवर बीम का, इसका बेंडिंग मोमेंट बनाते थे आप वहां पर, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम में सब बनाते थे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्यों? क्योंकि स्टेटिकली क्या था? डिटर्मिनेट था। इसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी थी? जीरो थी। तो यदि मैं कहता हूं कि ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट है, जीरो डिग्रीज है, मतलब इसको तीनों तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो से एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो मेंबर्स है जिसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी वन है, इसको तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा पा रहा है, वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए? भाई ये तीन को तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक एंड प्रोवाइड किया, अलग से एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो इसमें कितना रिएक्शन आने वाला है उसको निकालने के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और कोई से एडवांस मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसका हम आने वाले टाइम में बात करने वाले रहेंगे। तो ये है स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बाय वन डिग्री, मतलब एक और कोई सी इक्वेशन अच्छी मुझे मिल जाए तो मैं ये वाले में कितना फोर्स आने वाला है, सपोर्ट में रिएक्शन कितने आने वाली है, उसको डिटरमाइन कर सकता हूं। ये तो ही मेरी एक बात। क्या मैं यहां पर कह सकता हूं इसको मैं क्या कहूंगा? स्टेटिकली डिटर्मिनेट। ये क्या है आपका? ये है आपका स्टेटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है। ये क्या है? वन डिग्री से स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट। ये लिखूंगा स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बाय वन डिग्री, ठीक है। और ये वन डिग्री भी किसके कारण आया है? एक्सटर्नल रिएक्शंस के कारण आया है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के कारण आया है। तो मैं आप लोगों को यहां पर पूछ सकता हूं इस क्वेश्चन में या किसी और भी क्वेश्चन में, जो भी मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कि बताओ यहां पर, जैसे मैंने यहां पर पूछा आप लोगों को कि बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सटर्नली कितना इनडिटर्मिनेट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये फ्रेम एक्सटर्नली कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, तो ये एक्सटर्नली तीन डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, ये आपका आंसर हो जाएगा तीन। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये फ्रेम इंटरनली कितने डिग्री से स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री से स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो यहां पर इसका आंसर आ रहा था 9, हाँ इसका आंसर आ रहा था 9। तो सिर्फ लिखा हो कि स्टेटिक इनडिटर्मिनेसी कितना है तो वो 9 है, वो यदि आपसे पूछे एक्सटर्नल स्टेटिक इनडिटर्मिनेसी कितना है तो 3 है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की डिग्री कितनी है तो 6 है। तो ऐसा टुकड़े टुकड़े में भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि केवल एक्सटर्नल पूछ ले या केवल इंटरनल पूछ ले या फिर नॉर्मल पूछ ले। अभी तक तो जितने क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन में लगभग आपसे टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ही पूछा जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग नहीं पूछा जाता है अभी तक के ट्रेंड में। हो सकता है फ्यूचर में पूछा जा सके, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसके लिए यदि मैं आपसे कहूं कि ये स्टैटिकली इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना है, तो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यहां पर क्या है? 1 है, मतलब ये एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। क्या है ये? एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है बाय 1 डिग्री। और इसका यदि इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करूं तो वो है 0, मतलब ये इंटरनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ये इंटरनली स्टेटिकली डिटर्मिनेट है और ये एक्सटर्नली स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है, और ये टोटल यदि दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो फाइनली मैं कहूंगा कि ये स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है बाय 1 डिग्री है। तो ये आपको स्टडी किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। शॉर्टकट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बुकलेट में अवेलेबल है आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने आपको स्ट्रांग बनाइए कि कितने कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को निकालने के लिए। अभी तक हमने स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में रिजिड
जॉइंटेड मेंबर्स की स्टैटिक इंडिटरमिनेशन निकालना सीखा है ना। आने वाले टाइम में हम लोग किसकी भी सीखेंगे, पिन जॉइंटेड की भी सीखेंगे। एक बात आप लोगों को नोटिस करना चाहिए यहाँ पर कि अभी तक मैंने जितने भी फ्रेम्स लिए, जितने भी बीम्स लिए, किसी पर भी लोड नहीं लगाया था मैंने। समझ रहे हैं कि बस मैंने आपको एक मेंबर दे दिया था और बोला था इसके अंदर स्टैटिक इंडिटरमिनेशन निकालो। मैंने कभी पर भी एक फ्रेम या एक लोड पर, मेंबर पर लोड लगाते हुए आपको फ्रेम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी बीम या किसी फ्रेम पर लोड लगाता हूं तो थोड़ा सा चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने में थोड़े से चेंजेस आप लोगों को करना पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी मैं आने वाले वीडियो में बात करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है, यदि क्वेश्चन आता है कि उस पर लोड लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। लोड यदि नहीं लगे हुए दिखाया गया है फ्रेम को, तो आप जो अभी तक मैंने डिस्कस करा है उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके बीम्स के ऊपर या आपके फ्रेम के ऊपर लोड दर्शाए गए हैं, लोड लगाए गए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेथोडोलॉजी में मैं चेंज लाऊंगा, सोचने के तरीके में, थिंकिंग में चेंज लाऊंगा, जिसकी मैं आने वाले लेक्चर में बात करने वाला हूं, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफी है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।